तो हाँ खंड में कैसे भी डिसाइड करेगा उसको बहुत ही कम रुपए में स्टार्ट कर सकते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हो, लगभग 500 रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी जैसे बाइक का, बाइक सेलिंग का बिजनेस। तो बाइक सेलिंग बिजनेस के बारे में पूरा आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, कैसे आपको बाइक खरीदना है, कैसे सेल करना है, कैसे आपको प्रॉफिट अर्न करना है, कैसे आपको मार्केट करना है और कैसे बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे तक ग्रो करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन, आप देख रहे हो मेरा चैनल बिजनेस की हकीकत। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाइक का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको बाइक खरीदनी है, कैसे आपको सेल करनी है, कैसे कस्टमर को लेके आना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस बिजनेस में बताने वाला हूँ। आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना रुपया आप बिजनेस में लगा सकते हो, तो देखो 300 से 400 रुपये में आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आपका और कोई भी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में नहीं होगा। तो किस तरीके का बिजनेस है, बिजनेस है तो बाइक सेल करने का, आप बाइक भी सेल कर सकते हो, स्कूटी भी सेल कर सकते हो, कार भी सेल कर सकते हो, आप कुछ भी सेल कर सकते हो, उसके बीच में आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के लिए दलाली बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी शर्म नहीं है तो आप इस बिजनेस के लिए कर सकते हो। तो बाइक का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले एक विजिटिंग कार्ड बनाना पड़ेगा, एक आपको अपना आइडेंटिफिकेशन बनाना पड़ेगा, आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। आप अगर विजिटिंग कार्ड बनवाते हो मार्केट में लोकल से किसी से भी बनवाते हो, लगभग 350 रुपये से लेकर 400 रुपये में लगभग 1000 पीस आपके विजिटिंग कार्ड बन जाएंगे। तो विजिटिंग कार्ड किस चीज का बनवाना है, देखो विजिटिंग कार्ड आपको बनवाना है कि भैया मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, मतलब जैसे मान लीजिए बाइक को सेल करता हूँ, सेल आउट करता हूँ, पुरानी बाइक खरीदता हूँ, नई बाइक सेल करता हूँ, ठीक है, पुरानी खरीदता हूँ, पुरानी देता हूँ लोगों के लिए, इस तरीके का मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें हुआ क्या, जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको देखो डिमांड देखना पड़ेगा। अभी देखो दिवाली आने वाली है तो बहुत सारे लोग करते जाए अपनी पुरानी बाइक सेल करते हैं और नई बाइक लेके आते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनके पास बजट कम होता है, वो लोग क्या करते हैं पुरानी बाइक खरीदते हैं। अब इन दोनों के बीच में आपको काम करना है, जो सेलर है उससे आपको बाइक को खरीदना है, जो बायर है उस बाइक को आपको उसको सेल करना है। अब ये सारी चीजें मैनेज कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक विजिटिंग कार्ड बनवाना पड़ेगा। विजिटिंग कार्ड बनवाने के बाद आप एक अपने ग्रुप पे, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हो, तो बाइक सेलिंग या किसी के नाम से आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हो, जो बाइक पुरानी सेल करता हूँ, नई पुरानी नई सेल करता हूँ, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, आपको अगर किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट हो, पुरानी बाइक चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकते हो, नई चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको दिला दूंगा। अब देखो आप एक मोबाइल पे क्या करोगे, एक ग्रुप बनाओगे, सबसे पहले एक व्हाट्सएप पे पेज बनाओगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे नहीं फेसबुक पर आप इसको पेज बनाओगे, इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाओगे, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाओगे अलग से, मतलब अपने बिजनेस के लिए सारी चीज़ें आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। एक नंबर आपको लेना पड़ेगा, नंबर आप चाहे तो अपना पर्सनल ही दे सकते हो विजिटिंग कार्ड में, जे सारी चीज़ें डील करने के बाद आपको लोगों तक जाना है, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में होगा आपको लोगों तक जाना है, बाद में होगा लोग आपके पास, आपको लोगों के पास जाना है कि भैया आपको बाइक चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको बाइक दिला दूँ। अब देखो उसमें होगा क्या, अब आप बाइक कहाँ से लेके जाओगे, अब आप जब किसी भी बाइक के पास जाओगे तो उसको दो बातें करोगे, या आपको अगर किसी भी तरह की बाइक देखना तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आपको किसी भी तरीके की बाइक खरीदना तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दोनों चीज़ों में इसमें मैं डील करता हूँ। अब देखो बहुत सारे आपको कॉन्टैक्ट ऐसा होगा आपको ओवरऑल से मिल जाएगा, अब देखो आप नियर बाई मेरे भी थोड़े जैसे मानिए 40-50 किलोमीटर का एरिया है, आप उसमें कवर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 40-50 किलोमीटर में जो भी आपको ओवर एक्स बाइक सेल हो रही है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भैया आप कितनी डिमांड रख रहे हो अपनी बाइक की, कितने रुपये मांग रहे हो, जैसे मान लीजिए 40,000 रुपये में एक बाइक सेल कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं 40,000 रुपये में इस बाइक को सेल कर दूँगा, ठीक है। अब आपने क्या करा, आप उसके पास जाओगे, उससे बात करोगे, उसकी बाइक की पिक्चर वगैरह खींचोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे कि सारे ओरिजिनल है, कोई गलत काम की बाइक तो नहीं है, कोई पुलिस केस वगैरह तो इस बाइक पर नहीं है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लोगे और उनके डिमांड लिख लोगे कि वो कितने रुपये मांग रहे हैं, जैसे मैंने वो 40,000 रुपये मांग रहा है तो आप उनसे 40,000 रुपये पूछोगे, ठीक है, उसके बाद तो नेक्स्ट कितने मिलेगा, मतलब लास्ट आप कितने रुपये का बाइक छोड़ दो तो बोलेंगे 35,000 रुपये बाइक दे दूंगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने ढूंढा हुआ एक्स पे इस तरीके का बायर कि जैसे मान लीजिए सेल कर रहा है, ठीक है। अब आप जब विजिटिंग कार्ड बांटोगे लोगों में, जब आप लोगों को मार्केटिंग करोगे, फिर उसको बताओगे लोगों की बाइक सेल हो रही है, ठीक है ना। अब जो बाइक आप पिक्चर वगैरह खींच के लेके आए थे वो बाइक के लिए आप अपने ओवर एक्स पे डाल दो, ठीक है, ओवर एक्स पे डाल दो, आपने जो पेज बनाया था आप उस पर डाल दो,
व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, आप उस पर डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, अगर वहां से कोई भी आपका ट्रैफिक आ रहा है, कोई भी इस बाइक को 40,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। अब जैसे हम सपोज लेके चलो किसी बंदे का फोन आया आपके पास, ये जो बाइक मैं ले लूँगा आप उसके पास एक बार, ठीक है, अब वो आएगा ठीक है, तो आप उससे क्यों बोलो भाई तुमने तो 35,000 रुपये में लास्ट जो दिया है, जो सेलर है वो कहता है भाई तुमने 35,000 रुपये में बात आ दिया तो मैं सेल कर दूँगा, ठीक है, आप उसको बुलाओगे, बायर से बुलाओगे, ठीक है, दोनों की बातचीत कराओगे, ठीक है, दोनों की बातचीत कराने के टाइम पर हुआ गया वो बाइक होगी, तो बाइक अगर वो 40,000 रुपये में मांगे, ठीक है, वो 35,000 रुपये में छोड़ देगा, वो चीज़ें आपको पता है, ठीक है, 35,000 रुपये में वो छोड़ेगा वो आपको पता है, वो 40,000 रुपये मांग रहा है वो बायर को पता है, ठीक है, अब उन दोनों की आपको बात कराना, बात होगी मान लो 38,000 रुपये में, ठीक है, 38,000 रुपये में बात होगी तो आपको 3,000 रुपये का कमीशन उधर से मिल जाएगा, एक बाइक का 3,000 रुपये का कमीशन मिल रहा है, आपसे कम लगा के चलो, जैसे मैंने एक बाइक का आप डाल दो 500 रुपये से लेकर 1,500-2,000 रुपये का कमीशन, इससे ज़्यादा कमीशन मत लेना, बहुत सारे लोग लेते हैं अलग अलग तरीके से कमीशन लेते हैं, वो ज़्यादा गंदा हो जाता है उस तरीके से, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक बिजनेस नहीं चलता है, तो इस तरीके से आप अपने बीच में दलाली खा सकते हो, दलाली कह सकते हो, ब्रोकरेज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसी तरीके से बहुत बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एजेंसियाँ वगैरह बनाई है, इस तरीके का बिजनेस करते हैं। अब जब वो सारी चीज़ें जब आपकी जब बढ़िया हो जाएंगी, जब आपकी मार्केट बढ़ जाएगी, जब आप 1,000 से 2,000 लोगों तक पहुंच जाओगे, ठीक है, हल्के हल्के करके पहुंच जाओगे लगभग 6 से 7 महीने, 8 से 9 महीने में लगभग आप लगा के चलो 1,000 से 2,000 लोगों के बीच में पहुंच जाओगे, तो आप लगा के चलो एक डेली एक बाइक आपकी सेल होती है, एक बाइक सेल होती है डेली का आपका प्रॉफिट जो है एक बाइक पर 2,000 रुपये, 2,000 रुपये आप लगा के चलते हो तो आप अर्निंग कर रहे हो डेली, हर महीने जो अर्निंग कर रहे हो आप कर रहे हो 60,000, एक साल में बता रहा हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं आपने आज बिजनेस को स्टार्ट कर आज ही आप 60,000 रुपये कमाने स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगी, बिजनेस मॉडल बढ़िया तरीके से सेट होगा आपका, उसके बाद ही आप ग्रो कर सकते हो, आगे करके आपका अगर वो बाइक के साथ साथ कार भी ले सकते हो, और भी अलग अलग एक्सेसरीज हैं जो देखने में आप बढ़िया तरीके से हेल्प कर सकते हो लोगों के लिए, पुरानी दे सकते हो उन लोगों के लिए, तो बढ़िया तरीके से आप इस तरीके का बिजनेस कर सकते हो। अभी दीपावली आ रही है ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की इसकी रिक्वायरमेंट है, और बहुत से भी बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है पुरानी बाइक वगैरह ढूंढने के लिए या खरीदने के लिए, आप इस तरीके के सेलर बन सकते हो, इसे आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करा सकते हो, आपने इधर से मान लिया उधर को सप्लाई करा दिया, ठीक है, उधर से लिया इधर सप्लाई करा दिया, जो बायर होता है वो भी लगभग 1,000 से 2,000 रुपये या खुशी में जो चाहे वो दे देता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, और ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों से इस बिजनेस के बारे में पता किया है जो लोग इस तरीके का बिजनेस करते हैं, तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं है, 1,000 से 2,000 रुपये में भी नहीं लगेंगे, आपको मात्र 500 रुपये तक होने वाले हैं वो भी बिजली का, ठीक है ना, इस तरीके का बिजनेस आप करोगे तो आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल आप हो सकते हो, तो एक बार करके जरूर देखना, और बिजनेस शुरू करने में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, अपने मॉडल बनाने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, नीचे इंस्टाग्राम के आइडिया रिव्यू बॉक्स में मैसेज कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से शेयर कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।